से बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। जुर्म यानी क्राइम से जुड़ी सनसनीखेज चौंका देने वाली खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जुर्म की दास्तान जो कर देगी आपको हैरान, क्राइम फाइल्स जो देख के आप रह जाएंगे दंग। देखिए क्राइम फाइल्स में हमारी ये खास रिपोर्ट। दिन 25 फरवरी 2022 मेरठ के शोभापुर थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में हुई सनसनीखेज वारदात। कंकरखेड़ा के शोभापुर में प्रसपा यूथ ब्रिगेड के जिला सचिव सिद्धू जाटव के घर के दरवाजे पर ही चाकू गोद कर कत्ल कर दिया गया। आपको बता दें शोभापुर निवासी सिद्धू जाटव प्रसपा में यूथ ब्रिगेड के सचिव थे। सिद्धू का दो दिन पहले अपने चाचा और चचेरे भाई कमलदीप के साथ मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कमल ने हत्या का ऐलान किया था। विवाद को निपटाने के लिए पंचायत भी बुलाई गई थी लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद आरोपी ने शाम को अपने साथियों के साथ मिलकर सिद्धू पर घर के दरवाजे पर हमला कर दिया और चाकू से कई वार किया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए, सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई है। सिद्धू पुलिस ने मुख्य आरोपी कमलदीप के ससुर सतीश को गिरफ्तार कर लिया है। चचेरे भाई कमलदीप, पुत्र महुंदर, कमलदीप की पत्नी ज्योति, कमलदीप के ससुर सतीश, सास शीला, चाचा जितेंद्र और चचेरे भाई सोनू के खिलाफ कंकरखेड़ा इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सक्सेना का कहना है कि एक आरोपी हिरासत में है, फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज़ से नवीन खान। जो लड़का है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया यूथ ब्रिगेड का कार्यकर्ता है, जिला कार्यकर्ता है, आज शाम 5 बजे अपने काम पे से आया तो इसी के चचेरे भाई जो है, क्या नाम है उनका, कमलदीप ने अभी 4 दिन पहले उसके लड़के को इनके भाई ने सिद्धू ने कुछ कह दिया था पत्रकोज, तो उसी विवाद में उनका चाकू से मर्डर करा गया जिसमें कि कई लोग उपस्थित रहे मर्डर करने में, जैसे कि कमलदीप के सास ससुर और उसकी बहू और उसका चाचा भी जितेंद्र, वो सब साथ रहे और बड़ी ही दर्दनाक तरीके से चाकू के साथ बड़ा मतलब बुरी तरीके से उस लड़के को मर्डर करा गया। क्या नाम था इनका, सुधीर उर्फ सिद्धू।